इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म एक्स एंड सम फाइव देन। देखो इनफाइनाइट जीपी है इसका मतलब, और उसमें सम जो है कोई फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है, तो इसमें जो कॉमन रेशियो है वो ये कंडीशन लगेगा। ठीक है, जब इनफाइनाइट टर्म होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला है 1/r सम का। ठीक है, तो सम कितना है 5, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है जो कि x है 1 - r। ठीक है, अब इसको क्या करो r के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 1 - r इक्वल टू x अपॉन 5 व्हिच इज इक्वल टू 1 - x/5 इज इक्वल टू r। यहां लगा दो 1 - x/5 मॉड लेस देन 1, मॉड तोड़ने के लिए बताया हमने, पर प्लस अपॉन माइनस, इसको अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये लिख लो 1 - x/5 लेस देन 1। ठीक है, एक बार इसे लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं, -1 1 - x/5। ठीक है, इसको इधर लेकर चले जाओ -2 - x/5, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो x/5 > 2 विच इम्प्लाइज x > 10। ठीक है, सॉरी ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो x < 10। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरा भी इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 - x/5 < 1, दिस इज 1 से 1 हट जाएगा तो 0 - x/5 < 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x/5 > 0, इसका मतलब x > 0, इन दोनों को कंबाइन करो तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया, x 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है,